खा खा करके बिल्कुल गैंडे हो गए घर के अंदर निकम्मे टाइप के। सुबह से सारे काम कर रहे हैं, मम्मी के साथ मंदिर बनाया, वो क्या साफ सफाई करी, सब कुछ करा, और क्या करूँ मैं, निकम्मा दिख रहा हूँ मैं तुमको। तेरी नजरों में तुम एक नंबर में निकम्मे आदमी, खाली बेकार हाथ में कैमरा लेकर घूमते रहे। हाथ में आराम ही चाहिए, बस बिस्तर चाहिए, तकिया चाहिए। एक घंटे से लगी है पूजा पाठ में, क्या पता साक्षात भगवान ही आ जाएं। तुमको मेरे पर रहम नहीं आता बिल्कुल भी, काम तो सब करना पड़ेगा। खाली पूजा कर लेने से पेट तो भरेगा नहीं, नवरात्रि हो चाहे कोई भी त्योहार हो। अपन लगानी तैयारी शुरू हो गई, ऐसे लगता देखो घर में अपन। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए खूबसूरत दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूं। और आप देखो हमारे गार्डन में देखो इतनी सारी चुन्नियां मम्मी ने धोके लगा दी है। बताओ कुछ खास है ना आज ऐसा जिसकी वजह से आज हमारे पूरे गार्डन में ना आपको चुन्नी चुन्नियां दिखाई देंगी। ये देखो, और देखो मम्मी लगी पड़ी है सुबह सुबह कुछ, क्या कहते हैं मम्मी क्या कर रही थी? मंदिर लिखने के लिए बना दी। चावल की पीस दिए, चावल का ही बनता है ना ये चावल थे। देखो भाई ये चावल है, चावल पीस के ना इस तरीके से पूरा, इसे बोलते क्या है? बिस्वार। हम जब बाजार में पेंट मिल रहा है मम्मी, तो हम पेंट भी लगा सकते हैं। मंदिर में पेंट नहीं लगता है, शुद्ध माना जाता है बिस्वार वाला। ये कब से चल रहा है प्रथा? ये पुराने टाइम से पेंट तो अब चला है। तो भाई मम्मी ने ना ये चावल का ना पूरा बिस्वार बना दिया, इसको हम बिस्वार बोलते हैं। ये हमारा सिलबट्टा है, इसको भी हम भगवान के रूप में पूजते हैं, इससे पूरा बिस्वार बनाएंगे। उसके बाद हम अपने मंदिर को आज पूरा सजाएंगे, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत 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 सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से अगले 9 दिन के लिए मैं लेने वाला हूँ पानी वाले व्रत। वैसे मैंने आज से पहले कभी पानी वाले व्रत रखे नहीं है कि ओनली पानी पीने वाले। आपको क्या लगता है कि पानी वाले व्रत हम ले सकते हैं क्या? एक आम आदमी बिना खाना खाए क्या मैं 24 घंटे 48 घंटे बिना खाने बिना किसी चीज के रह सकता हूँ क्या? मुझे खुद विश्वास नहीं। लेकिन वैसे मैंने पता है इस चीज को पढ़ा भी है, अगर आप साइंटिफिकली देखो तो ऐसा बोलते हैं कि अगर 36 घंटे आपने वाटर फास्टिंग कर ली ना, तो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। इसको आजकल की ना बहुत सारी योग प्रणालियों में और एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी इसे कहते हैं कि भैया वाटर फास्टिंग करनी चाहिए। लेकिन आप देखो हमारे हिंदू धर्म सभ्यता है व्रत लेने की, उसे आप सिर्फ भगवान की श्रद्धा ही नहीं, वो आज के विज्ञान को भी फेल करता है। मतलब आज जो लोग वाटर फास्टिंग कर रहे हैं ना फिट रहने के लिए, अपने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हमारे वहाँ भैया महीने में एक दिन एकादशी का होता है जिस दिन सिर्फ पानी पिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे व्रत आते हैं जिसमें लोग फल खाते हैं और एक टाइम खाना खाते हैं। तो समझ लो कि हमारा हिंदू धर्म मतलब आज नहीं 1000 साल पहले भी वो सब चीज़ फॉलो करता था जो आज का विज्ञान अब धीरे धीरे समझ रहा है। तो चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इधर हेलो बाबा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक है। क्या बात, सुबह सुबह चाय से? तो तुम्हारा व्रत नहीं पापा क्या आज? व्रत नहीं है। क्यों नहीं? नहीं नहीं व्रत नहीं, व्रत तो ले रखा घर वालों ने, सबने ले रखा है। तो पापा तुम लोग तुम्हारा भला नहीं होगा? मेरा तो अपने आप भला हो रहा है ना, चारों ओर से भला हो रहा है अपना, ऐसा कुछ नहीं होता। भूखे रहेंगे तभी जाके भला होगा। श्रद्धा है, मनसा है आदमी की, ठीक है जो कर सकता है वो करे। लेकिन तुमको 3 टाइम खाना चाहिए। मैं 3 के मैं 10 टाइम भी खा लूंगा। वैसे पापा की ना इसमें कहते हैं फिजिकल और मेंटल जो कंडीशन है वो इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं है कि पापा व्रत व्रत ले पाए, इसलिए हम सुबह सुबह पापा को नाश्ता कराते हैं, दिन भर में चाय खाना हम व्रत ले सकते हैं लेकिन पापा नहीं। तो पापा की तरफ से व्रत हम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा फैमरा को इधर ला, तू अपनी पहले काम करो। क्या काम करो? घर की सफाई करो, पोछा करो, झाड़ू करो, और ये देख लो ना पहले पूजा है पाठ है, भगवान को सजाना है वो करना है। अब नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रि के हिसाब से रहो, सुबह से लगे पड़ी है काम। तो क्या करें बाबा? तुम आज तो खाली ये पकड़ा हाथ में मोबाइल जैसा गधा जैसा वो रगोड़ते रहे उसको, साथ हेल्प करो उसकी। किसी मम्मी की? हाँ। क्या करूँ, मंदिर से जाऊँ? तो गाइस चलो नवरात्रि का दिन है तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से नहा धो के आज हम ना कहीं बहुत सारे मंदिर घूमने जाने वाले हैं। पापा कहाँ जाएंगे मंदिर घूमने बताओ? अरे यार कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, तुम तो ऐसे करो कहाँ जाएंगे, तुम्हारे घर का मंदिर सजा दिया, घर का मंदिर लीप दिया, वो कर दिया, लिख दिया ना, नहीं लिखा है। तो पहले घर के मंदिर को इतना सुंदर बनाओ कि उसके आगे दुनिया के मंदिर फीके लगे। अच्छा ठीक है, इतना सुंदर तरह से बनाओ। और ऐसे तो हिंदुस्तान में 1 करोड़ मंदिर होंगे, 1 करोड़ 50 करोड़ मंदिर होंगे, पहले घर का मंदिर सही होना चाहिए। जाओ अब झाड़ू पोछा पकड़ो, सफाई करो और लिखाई करो, बढ़िया सुंदर ढंग से बनाओ। तो चलो कोई बात नहीं, तुम गुस्सा करो, बाहर के मंदिर में जाएंगे, पहले आज घर का मंदिर साफ कर लेते हैं। कल को जाएंगे बाहर के मंदिर में। तो गाइस चलो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से मम्मी के साथ चलता हूँ मंदिर में। वो जो मम्मी ने अभी बिस्वार बनाया ना उसको मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर में हम कैसे लगाते हैं। उसको हम ऐपण बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आप उत्तराखंड से देख रहे हो तो आपके वहाँ भी करते नहीं करते ऐसा, मंदिर में गेरू लगा के उसमें ऐपण देते हैं बिस्वार का। हमारा ना जो मंदिर है ना घर ना बहुत पुराना है, मतलब हमारे पापा हमारे बूबू के बाबू क्या हमारी जितनी भी हमारी पूरी पुश्तें हैं ना वो सारी इस घर में पैदा हुई थी, इसलिए इस घर में हम रहते हैं अभी, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो सबसे बड़े थे। अब सबके घर अलग अलग हो गए ना, तो ये देखो भाई
तो ये देखो भाई मम्मी लगी पड़ी है अपने काम में। हेलो मम्मी। हेलो। तो भाई मम्मी देखो ये लगी हुई है। मम्मी ने मम्मी मंदिर में तुम क्या करते लाल लाल गेरुआ लगा रखा। गेरु गेरु लगा रखा है। मम्मी गेरु क्यों लगा रखा है? गेरु इसमें लिखने के लिए लगाया है। तो यहाँ पर लाल पेंट कर लेते सचो तो? लाल पेंट नहीं होता इसमें। पैतृक मंदिर है। पैतृक मंदिर है। हाँ। मतलब यहाँ कौन कौन रहा है? यहाँ हमारे बुबू के दादाजी, दादाजी के दादा, परदादा। तभी ये मिट्टी वाला तो छोड़ नहीं रही है। हाँ, तब छोड़ नहीं रहे इसको हम। देखो मम्मी ने देखो पूरे मंदिर में गेरू लगा। मम्मी गेरू कहाँ से लाई तू? बाजार से। अच्छा अब इसमें क्या करेगी, बिस्वार लगाएगी? तो गाइस मम्मी ने मंदिर को पूरा गेरू लगा के लाल कर दिया। एकदम से कितना प्यारा लग रहा है ना। मैंने मम्मी से कहा मम्मी हम लोग ने नया घर बनाया, सब कुछ बनाया, तो मंदिर नया क्यों नहीं बनाया? मम्मी बोल रही कि मंदिर नया नहीं बनाना, मंदिर यही रहेगा जब तक ये खुद ब खुद खंडित नहीं हो जाता है। जब खुद खंडित हो जाएगा तो हो जाएगा। चलो मैं मम्मी तो मंदिर को सजा रहे हैं और आज मेरा व्रत है, मम्मी का व्रत है। पापा तुम्हारा व्रत भी ले लेता हूं, तुम्हारे लिए मैगी बना दूं? ना 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 मैगी मैं नहीं खा रहा भैया, मैगी वैगी। तो तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगा? दाल चावल बनाएगी मम्मी, बनाएगी कुछ ना कुछ तो बनाएगी। मतलब तुम क्या तुम अकेले हो, तुम्हारे दाल चावल बनेगा अकेले में भी? हाँ तो बनता है। ये गलत बात है भाई, लेबर फुल लगानी पड़ती है। लेबर लगानी पड़ती है, इतने लेबर कहाँ से लाएंगे ये दाल भात बनाने के लिए? तो मैंने पापा से कहा पापा मैगी बना दो तुम्हारे लिए, मैं बना दूंगा। नहीं मैं दाल भात खाऊंगा। मैंने कहा पापा तुम्हारे लिए अकेले दाल भात बनने की बात बोल रहे हैं, क्या लेबर लगानी पड़ेगी उसके लिए? एक आदमी बना देता है। मैं कहा ठीक है चलो। फिर टाइम शुरू हो गया है हमारा, बिस्वार को मंदिर में अपॉइंट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे लगता है घर में अपन भाई, कितना प्यार। मतलब एक बार लगा दो ऊपर से बह के नीचे पहुंच जाएगा ना पूरा खुद खुद, और पूरे मंदिर में ऐसी लाइन बनेंगे सारी। तेरे को किसने सिखाया सब कुछ? मेरे चाची ने सिखाया। चाची ने सिखाया? कौन सी चाची ने? ललित मामा वाली चाची ने? हाँ। तेरे को बड़ा याद है उनकी यार। टाइम पर मेरी दोस्त थी। अच्छा तुम्हारी दोस्त थी। तो भैया देखो फाइनली अपना मंदिर पूरा तैयार हो चुका है। देखो मम्मी ने भगवान जी को भी रख दिया है, सारा मंदिर लिख दिया है। कैसे लिखा है? और मम्मी ने पूरा मंदिर बढ़िया तरीके से लिख दिया, आपको दिखा दिया मैंने। भगवान जी को भी रख दिया है। और आपको पता है इस नवरात्रि में मैंने लिए हैं व्रत वाटर फास्टिंग में, ओनली पानी पीकर इस नवरात्रि में व्रत लूंगा। तो भैया मैं ना सुबह शाम तक बस यही पढ़ रहा हूँ देखो कि वाटर फास्टिंग के फायदे क्या हैं, और कहीं ध्यान लगा रहा हूँ तो मुझे भूख लग जा रही है। तो अगर मैं पानी के फायदे पढ़ रहा हूँ तो हाँ मुझे लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो गाइस चलो मंदिर का सारा काम कंप्लीट कर दिया, अब हम जाएंगे अपने गांव के मंदिर में। मतलब अपने घर का मंदिर हमने सजा दिया अच्छे तरीके से, तो फटाफट से अपने गांव के मंदिर घूम के आते हैं। हम मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और पापा भी आ गए हैं। तो चलो पापा चले, तो हमारी गाड़ी सामने रेडी है। तो चलो गाइस सारे घर वाले बैठ चुके कार में, अब चलते हैं डायरेक्ट मंदिर के। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी कुलदेवी मैया के कहते मंदिर में, मतलब कि गौरजा माता के मंदिर में। सामने मंदिर है और पतला सी पगडंडी वाला रास्ता है, तो पापा मम्मी लोग आ रहे हैं। पापा देख के आना आराम से हल्के हल्के। ये देखो भैया ये हमारी कुलदेवी माता, और ये मंदिर एकमात्र मंदिर है जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा। मतलब जब ये मंदिर बन रहा था तो हमारे पूरे 2-3 गांव ने मिलके ना चंदा इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे करे, उसके बाद जाके फिर इस मंदिर की स्थापना हुई, मतलब ये मंदिर का निर्माण हुआ। सारे लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं जिसने 11,000, 5,000, 6,000, 10,000 सब लोगों ने दिए हैं, और मेरा नाम यहाँ पे मतलब श्रमिकों में था, लेबर में। इस तरीके से देखो कहीं ना कहीं मेरा नाम आएगा, तरुण कुमार रोहित कुमार दिनेश चंद, ये हमारे पापा का नाम है, ये हम दोनों भाइयों का नाम है। तो इस मंदिर को बनाने में मतलब खुदाई से लेके मसाला बनाना, ये करना, खुदाई करना, पत्थर निकालना, वो सारे काम करते थे। इसलिए जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था तो मैंने इसी मंदिर में आके रामायण करी थी कि आज मैं जहां पर भी हूं ना तो उसके पीछे हमारी कुलदेवी माता का ही मतलब आशीर्वाद है, तभी हम लोग यहां तक पहुंचे। तो गाइस चलो मंदिर में पूजा हो गई, अब चलते हैं घर की तरफ। बैठे मम्मी अंदर मंदिर में पूजा कर रही है। पापा मंदिर क्या पूजा कर रही है मम्मी अंदर? क्या पता है एक घंटे से लगी है पूजा पाठ में, क्या पता साक्षात भगवान ही आ जाएं, आगे से सीधे साक्षात भगवान प्रकट हो जाएं। अब पता नहीं क्या सोचती है वो, तो सोचती है बस प्रकट हो जाए बस हो गया। तुम किस्मत वाले वैसे पापा यार, तुमको ऐसी बीवी मिली। और क्या सही है, उसकी श्रद्धा है उसके अंदर, श्रद्धा जिसके अंदर होगी वो भगवान उसको तुरंत कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो मम्मी को तो तुम ही मिले थे? हम मिले वो उसकी किस्मत से मिले, वो सब किसी को नहीं मिल जाते हैं। लेकिन पापा ऐसा है, बीबी तो तुमको बहुत अच्छी मिली लेकिन बीबी के घर वाले बड़े चालाक। हमें क्या लेना उनसे, घर वालों से हमें, तुम्हारे ससुराली हमें क्या लेना सालियों सालियों से। देखो तुम तुम्हारी कितनी चोट चपट हो गई, कितना कुछ हो गया लेकिन कोई देखने भी नहीं आ रहा है। आजकल वहाँ पहाड़ी सब्जी हो रही, तुम्हारे कुछ भेजा उन्होंने आज तक?
हमें नीचे यार, हमें भगवान ने इतना दे रखा है कि हम खा नहीं पा रहे हैं। मतलब जब हमारे यहाँ आम होते हैं हम पेटियां भेजते हैं, तुम यहाँ से कितनी पेटी भेजते हो हर बार, लेकिन उनको तो भेजना चाहिए। किसी की नियत होती है, किसी की श्रद्धा होती है, तो जीजाजी को याद तो करना चाहिए कम से कम। अरे हम नहीं करते हैं तो उनके याद करने से कौन सा हो जाएगा। अरे सुबह शाम एक फोन होता है, जीजाजी कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया। जिंदगी में नहीं करते फोन, क्या फोन करेंगे, क्यों नहीं करते, मुंह नहीं लगाते। मुंह तो हम आज से क्या बचपन से ही नहीं लगाते आए हैं, अब क्या मुंह लगाएंगे हम। ठीक है, उतना ही मुंह लगाते हैं जितना पसंद है हमें। तो ये रास्ते में हमको दीपिका मिल गई, भूख लग गई, नवरात्रि चल रहे और खाने में लगी है, तो कुछ नहीं होता है ताऊ। भगवान थोड़ा कह रहे कि भूखे रहो, है ना। तुम कहाँ से आ रहे ताऊ? मंदिर मंदिर ये सामने वाली। तू क्या खा रही पहले? ऊपर मंदिर में गए लाटी, नवरात्रि चल रही थी। चौमीन? अरे नहीं चौमीन नहीं, आइए अरेस्ट कर देखिए आप प्लीज। अरे ब्रत बहुत प्यारी चौमीन, कोई बात नहीं, एक टाइम खाना तो है। कोई नहीं बाबू, अभी नहीं। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत खाएंगे, शाम को मत खाइए। जरूर खाएंगे, जरूर खाएंगे, जरूर खाएंगे। आगे जाइए प्लीज। नहीं खाएंगे, आगे छोड़ के मत जाइए। मंदिर में दो तीन मंदिर में होके आए, बस हो गया। अच्छा ये देखो, इसका घर यहाँ पे 100 मीटर का घर है उधर, और ये घर से पहले रुक गई है कि चौमीन खाने के लिए। घर में खाने को मिलेगा नहीं, घर में नहीं मिले, फिर बढ़ते किसी ने बनाया होगा नहीं, खा लेते हैं। तू एक नंबर का खद्दू, खाना खाने में कोई कैसा नहीं करनी चाहिए, खाने में तो दिखाओ, फिर खाएंगे खाएगा, खा लो। मैं तो कह रही हूँ यहाँ फास्ट है। चलो चल भाव, चलो ठीक है भाई, ठीक है ओके। चलो चलते हैं भाई फटाफट से घर। और हम पता मंदिर से घर की तरफ जा रहे थे तो हमें दीपिका दिख गई रास्ते में चाउमीन खाते हुए, चाउमीन और मोमो ठूस रही। नवरात्रि का पहला दिन है और वो दबा के ठूस ठूस ही खा रही है। तो चलो गाइस घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम सारे मंदिर घूम घाम के आ गए, थक गया इतना गंदा वाला ना भाई। अब करना है बढ़िया तरीके से मेरे को आराम, मतलब आया सुबह से ना काम धाम लगाया घर वालों ने, तो आराम से बिस्तर पकड़ूंगा और आराम करूंगा। और टाइम भी अब हो चुका है आपका 5:30। क्या आराम भैया, तुमको हर समय आराम ही चाहिए, बस बिस्तर चाहिए, तकिया चाहिए। बाबा इतने मंदिर घुमा कर आ गया तुमको? अरे इतने मंदिर घुमा के ला के बड़ा भारी वो कर दिया, ऐसा कर दिया ऊपर सर पर मंदिर घुमा दिया। अब वो गाय बच्चियों को भी घास देनी है, कुट्टी बनानी है, सन्नी करनी है, वो सारा काम करना है, उसको कौन मंदिर घूमे आए हो गया। भला आराम करने वाला है, बिस्तर दिए इनको, आराम फरमाएंगे और कुछ नहीं। मम्मा वो यहाँ घास काटने के लिए 1.5 घंटा हो गया। पापा सुबह से सारे काम कर रहे हैं, मम्मी के साथ मंदिर बनाया, वो क्या साफ सफाई करी सब कुछ, अब और क्या करूँ मैं। शाम को पूजा पाठ का कार्यक्रम है, मंदिर की सफाई करनी है, बिल्कुल वो बिल्कुल साफ सुथरा करना है। अब दोबारा झाड़ू पोछा करना है, और जितनी बार गंदगी होगी मंदिर पे, जितनी बार भी कमी बेसी होगी तो उसको सही करोगे। मतलब मेरी जिम्मेदारी है सारी? जुम्मारी नहीं है तुम्हारा, कोई ऊपर वजन नहीं है, वो दायित्व है तुम्हारा। अब यार मैं, मेरे को लग रहा था इतना घूम गया सुबह से, आज सब कुछ घुमा दिया, घर वाले खुश होंगे, अब आराम करूंगा, बिस्तर में लेटूंगा टेन करके। आराम ही तो करना है, कौन सा तुमने पहाड़ खोदना है, आराम ही करना है उसके बाद। देख खा खा करके बिल्कुल गैंडे हो रहे हो, गैंडे घर के अंदर, मोटे ताजे निकम्मे टाइप के। अरे कुछ मेहनत कर लो, कुछ लगन कर लो, कुछ ताकत लगा लो, कुछ वो कर लो, फल मिलेगा उसको तुमको, और क्या। खाली बेकार हाथ में कैमरा लेकर घूमते रहे डोली जैसे। पापा निकम्मा दिख रहा हूँ मैं तुमको यार, मैं तेरी नजरों में तुम एक नंबर के बिल्कुल बेकार आदमी, निकम्मे आदमी यार। बाबा चलो ठीक है, मैं कुट्टी काटने जा रहा हूँ, अब खुश, अब जाओ निकलो, उसके बाद वापस मेरे सामने आना, ऐसा नहीं कि फरार हो जाना ये कैमरा लेकर के इधर उधर को। क्यों भाई भाई, ना ना फिर बताऊंगा नेक्स्ट बार को, बताऊंगा अगला काम। फिर एक और है, फिर आज पूरा दिन भर काम ही काम होगा, मतलब ये नवरात्रि के दिन में दुनिया का फास्ट है, दुनिया आराम करती है यहाँ इन्होंने मेरे को। अब जाओ निकलो, कहाँ निकलो, अब वीडियो देकर के कैमरा देकर के हर समय मत रहूंगा। चलो गाइस ठीक है, काम करता हूँ, टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ, कुट्टी काट के आता हूँ गाय भैंसों के लिए। पापा तुम मतलब इतना काम करता हूँ सुबह शाम तक, कोई करता है घर में इतना काम जितना करता हूँ? करना पड़ता है इतना काम, तो क्या दुनिया कर रही, क्या तू निराला करता है? तुमको मेरे पर रहम नहीं आता बिल्कुल भी? काम तो सब करना पड़ेगा, उस पर रहम नहीं आता। सुबह 5 बजे उठ करके शाम को 7 बजे सोती है, 9 बजे कौन मम्मी मम्मी। चलो निकलो फिर, अब जा रहा हूँ क्या, ठीक है जा रहा हूँ। अब टाइम है कुट्टी कुट्टी काटने का, क्योंकि हमारे घर पे ना ये जानवर भी, बाबरे मेरे को मार दिया था ऐसे मुंह में मेरे, इतने कस के मारा। ये कुट्टी है, इसे काटते फटाफट से, क्योंकि हमारा फास्ट है, इनका फास्ट थोड़ी है ना, इनको तो खिलाना ही पड़ेगा भाई। हाँ, और जिस दिन खाना ना खाया हो ना, उस दिन अगर ऐसी मेहनत करनी पड़ जाए भाई साहब, लेकिन करना पड़ेगा। तो गाइस टाइम हो चुका है रात के 7:30-8:15, और कुट्टी उट्टी काट के मैं आ चुका हूँ घर पे, और घर में चल रही है नवरात्रि की पूजा, सारी साफ सफाई सब कुछ कर दी भाई, कुछ नहीं दिखाया आपको, अब से पूजा करते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं।
आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलो हम करते हैं पूजा और आप भी अपने घर में नवरात्रि की पूजा करो।